afternoon children. Today I am going to start exercise 7.1. This is menstruation. Menstruation means क्षेत्र मिति. इसके पहले भी तुम लोग आयत की क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत का परिमाप ज्ञात करना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना तुम लोग सीखे हुए हो. उसी के आधार पर ये एक्सरसाइज 7.1 है. एकदम इजी चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से देखना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो बोला गया है एक आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा. इसमें कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, सिर्फ L और B करके दिया हुआ है. हम लोग का परिमाप, हम लोग आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई. और परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई. जस्ट हम लोगों को पुटअप करके ये L और B दिया हुआ है वो पुटअप करना है. अब कैसे करेंगे वो देखो. पहले लिखेंगे आयत की लंबाई इज इक्वल टू L और आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू B. अब क्या बोला है, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल. क्षेत्रफल इसका तो फॉर्मूला भी हम बताए हैं क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई. लंबाई तो मेरा L दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पुट अप करना है L इंटू B. इसको हम लोग L और B भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्या बोला है परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो ये हम लोग को दोबारा लिखने का जरूरत ही नहीं है. हम लोग जस्ट डायरेक्ट करेंगे क्या, आयत का परिमाप. देखो बच्चों, परिमाप हो या परिसीमा दोनों ही सेम चीज है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. कुछ कुछ संस्थ में क्या होता है, बच्चों लोग को कंफ्यूज करने के लिए परिमाप की जगह पर परिसीमा दे देता है. यहाँ परिमाप दिया हुआ है. ठीक है, आयत की परिमाप, सॉरी आयत का परिमाप. फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई. ठीक है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, बस और कुछ भी नहीं करना है. इसका आंसर यही दोनों हो गया. अब हम लोग लिखेंगे क्या आंसर, आयत का क्षेत्रफल LB और परिमाप 2 ब्रैकेट में L प्लस B, बस और कुछ नहीं लिखना है. अब हम लोग सम्स नंबर 2 करेंगे, नेक्स्ट सम्स. ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा वो हम लोग को निकालना है. देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर. ठीक है, भुजा का स्क्वायर मतलब क्या, भुजा इंटू भुजा. हम लोग तो जानते हैं, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, वर्ग, वर्ग मीन्स क्या, स्क्वायर, डबल, जो भी रहता है उसका डबल करना. कैसे करेंगे वो देखो. पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल माने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला कैसे, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब इस तरह से लिखना है. ठीक है, अब हम लोग भुजा मतलब क्या, 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर मैंने हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग 7 में हम लोग जानते ही हैं क्या स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऑलवेज 4 होता है. अगर तुम लोग को फिर भी कंफ्यूजन हो तो तुम लोग जो है 2 × 2 करके 4 सेंटीमीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 4 वर्ग सेंटीमीटर
भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे क्या वर्ग क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब हम लोग इकाई को जैसे संख्या को डबल गुना करते हैं, मैंने क्या टू है तो टू का स्क्वायर मैंने कि टू इंटू टू, ठीक है, तो दो को दो बार गुना करेंगे उसी तरह से तो यहाँ पर टू क्या है सेंटीमीटर, उसका इकाई क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी तो दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ वर्ग हम लोग या तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आंसर अब लिखेंगे कैसे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना 4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, बस और कुछ नहीं। देखो बच्चों सम्स नंबर थ्री में क्या बोला है, आयत के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला सम्स हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहला सम्स देखो साधारण जो है आयत की। देखो बच्चों जैसे हम लोग 1 नंबर सम्स में कर चुके हैं क्या, वहां पर आयत की लंबाई सॉरी आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 का 1 नंबर सम्स में देखो आयत का लंबाई दिया है, आयत का चौड़ाई दिया हुआ है और वहाँ क्या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो हम लोग नॉर्मल हम लोग पहले ही नंबर सम्स में किए हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई का जस्ट मल्टीप्लाई करके बिठाना है, तो इसलिए 3 का 1 नंबर सम्स हम नहीं किए हैं, तुम लोग जो है वो खुद से कर लोगे। ओके, अब हम 3 का 2 नंबर थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो 2 नंबर बोला आयत की लंबाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल 91 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है, आयत का चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला जो है क्या क्षेत्रफल बटा लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब लिखेंगे कैसे, देखो फिर से दोबारा हम लोग लिख लेंगे आयत की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ओके, फिर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 91 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब क्या बोला है हम लोग का आयत की चौड़ाई निकालने के लिए, तो हम लोग करेंगे आयत की चौड़ाई, फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल बटा लंबाई, ये है हम लोग का फॉर्मूला। जब भी सम्स में जो है अगर क्षेत्रफल दिया रहता है और लंबाई दिया रहता है, चौड़ाई ना दिया रहे तो हम लोग क्षेत्रफल बटा लंबाई, या फिर सेम इसी तरह से क्षेत्रफल दिया रहता है, चौड़ाई दिया रहता है, लंबाई नहीं दिया रहता है, सेम फॉर्मूला यूज होता है, मगर एक चीज चेंज हो जाता है, क्या जहाँ हम लोग लंबाई लिखे रहते हैं वहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे, जो कि नेक्स्ट सम से है तुम लोग को हम करके दिखाएंगे। देखो यहाँ पर क्या क्षेत्रफल मतलब क्या 91, लंबाई कितना 13, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 13 के टेबल में, कितनी बार में 91 आता है 13 7 जा 91 हम लोग का कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो आयत का चौड़ाई मेरा कितना निकला, आयत का चौड़ाई 7 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कितना आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। ओके, सेम जो है इसमें भी वही एक ही 3 नंबर सम जो है सेम वैसा ही है, थोड़ा सा जस्ट अंतर है क्या, जैसे हम ये सम्स करवाने से मैं बोले थे क्षेत्रफल दिया रहेगा और अगर लंबाई दिया रहेगा तो क्या क्षेत्रफल बटा लंबाई, सेम उसी में उसमें भी क्या होगा क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है मगर लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यहाँ लंबाई था यहाँ चौड़ाई हो जाएगा, करेंगे क्या सेम वैसे ही आयत चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर, अब आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर, अब हम लोगों को पूछा क्या है लंबाई, आयत की लंबाई फॉर्मूला लिखेंगे क्या क्षेत्रफल बटा
चौराई, हम लोग को लंबाई निकालना है इसलिए यहाँ चौराई लिखिए, ठीक है। और मान बिठाएंगे 200/8। अब हम लोग इसको डिवाइड देंगे। देखो हम लोग ऐसे 25 का टेबल जानते हैं, अगर तुम लोग ना हो उस तरह से कर सको तो डायरेक्ट हम तुम लोग को काट कर ही हम दिखाते हैं। देखो जैसे 4 के टेबल से दोनों कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और ये 0 बच गया, तो मेरा कितना बचा 50/2। अब 2 से देखो 50 कट जाता है, 2 1 जा 2, 25 2 जा 50, तो क्या हुआ 25। तो यहाँ पर आयत की लंबाई कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आंसर लिखेंगे क्या, आयत की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक से इसे केयरफुली नोट करो। ओके बच्चों, ये सम्स जो है आज 3 तक कंप्लीट करवाए हैं। नेक्स्ट सम्स 4 नंबर जो है तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ओके ठीक है, बाय।